नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना आपके साथ। और मैं हूं रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने कहा, आजादी के बाद जीडीपी पे दर्ज होगी सबसे बड़ी गिरावट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच पर बोले शरद पवार, कहा मैं किसी भी जांच का नहीं करूंगा विरोध, हालांकि मुझे महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन, शुभारंभ से पहले ही बहा था अप्रोच रोड, तेजस्वी ने साधा निशाना। वहीं जैसलमेर से जयपुर लौटे कांग्रेस विधायक, सीएम गहलोत ने कहा बीजेपी की साजिश हुई नाकाम, राजस्थान में जीता लोकतंत्र। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, तेल की सप्लाई और लोन पर लगाई रोक, पाकिस्तान को दिए $1 बिलियन की मदद भी वापस मांगी। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार विधायक ने शिवसेना नेता संजय राउत को नोटिस भेजा है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी मेल मुलाकात का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वाईवी चव्हाण हॉल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से संजय राउत ने सुशांत सिंह सुसाइड केस में हो रही सियासत पर चर्चा की। और मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में राजनीति अलग दिशा में जा रही है और इसे लेकर हम पवार साहब से मुलाकात किए हैं। और मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि वे 50 सालों से मुंबई पुलिस को जानते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है। कि शरद पवार ने आगे कहा कि मैं इस मामले में सीबीआई और दूसरी एजेंसी से जांच पर कोई एतराज नहीं है। शरद पवार ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है लेकिन उस पर इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही है। पवार ने कहा कि मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पवार ने कहा कि किसान खुदकुशी कर लेता है तब इतनी चर्चा क्यों नहीं की जाती। माझा महाराष्ट्र पोलिसांच्या पूर्ण विश्वास आहे आणि एवढे करून कोणाला वाटत असेल तर सीबीआय वगैरे आणखीन कुठली एजन्सी वापरायची असेल तर मी काही त्याला कधी विरोध करणार नाही। तो सुशांत सिंह खुदकुशी पर आज संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बातचीत हुई। उसके बाद शरद पवार यहां ये बयान देते हुए कि उन्हें किसी भी जांच से कोई वो किसी भी जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सीबीआई जांच भी कहीं ना कहीं शामिल है। बात करने के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, लगातार जब हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार, खासतौर पर शिवसेना, सीएम उद्धव ठाकरे खुद सीबीआई जांच के खिलाफ थे और आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इतना बड़ा बयान आता है कि वो किसी भी जांच के खिलाफ नहीं है, तो यहां कहीं ना कहीं वो मतभेद फिर से इन दो पार्टीज के बीच में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। मुरारी जी, इसका एक कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान आया कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति की जो है कि आत्महत्या करता है, उसके बाद इतनी सारी चर्चाएं होती हैं, जबकि राज्य में जो है कि 20 से ज्यादा किसान सांगली जिले में मरे हैं, वहां पर कोई जो है उन्हें पूछने देखने के लिए नहीं जाता है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं 50 साल से जो है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के बारे में जानता हूं, देखता हूं और उनके ऊपर अटूट विश्वास है मुझे, लेकिन अगर कोई चाहता है इस मामले में सीबीआई जांच कराना चाहता है तो मुझसे इससे कोई एतराज और परहेज भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संकेत भी दिया है सीबीआई जांच को लेकर के कि महाराष्ट्र सरकार का जो अंदेशा लग रहा था कि सरकार इस मामले में सामने आ सकती थी, उस पर से इन्होंने अपना पर्दा हटाया है। जी जी, शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में शिवसेना सांसद संजय रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना सांसद संजय रावत को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि संजय रावत अपने बयान को लेकर 48 घंटे के भीतर माफी मांग ले, नहीं तो फिर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। दरअसल संजय रावत ने कहा था कि सुशांत के पिता की 2 शादी हुई थी, इसीलिए सुशांत को अपने पिता से तकलीफ थी। परिजनों ने संजय रावत के इस बयान को झूठा और बेबुनियाद बताया था। वहीं संजय राउत ने नोटिस के बारे में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
आपने भी बयान लिया है क्या? नोटिस में आने इतना पड़ेगा, बहुत काम है यहाँ मुंबई में इतना काम पड़ा है हमारे पास तो 50-100 नोटिस दर्ज। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में उनके वकील विकास सिंह ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाया है। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का कहना है कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हैं, जबकि सुसाइड में कपड़े के निशान की बात कही गई थी, और साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। परिवार से बात करता रहा जब तक FIR दर्ज नहीं हो गया, और परिवार को सांत्वना देता रहा एज इफ कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसे ही FIR दर्ज हुआ, जब रिया एक नामजद अक्यूज्ड हो गई FIR में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार्क किया है, तो उसकी क्लियर साठ गांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जयपुर में ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी ने खचरियावास और उनके पिता को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। खचरियावास ईडी के नोटिस का जवाब देंगे। तो राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में ईडी के ऑफिस पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने उनको पूछताछ के लिए तलब किया था, जबकि नोटिस में कोई किसी केस का जिक्र नहीं किया गया था, और अब खबर आ रही है कि वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रामस्वरूप, क्या कुछ जानकारी? ईडी ऑफिस पहुंचे खाचरियावास? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही वो जैसलमेर से जयपुर एयरपोर्ट से उतरे, उसके बाद में घर जा करके सीधा ये ईडी ऑफिस में आए हैं। अभी ये ईडी कार्यालय के अंदर ही है, हम बाहर मौजूद हैं, और अंदर जाने के दौरान उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात की थी और साफ तौर पे कहा था कि ईडी और इनकम टैक्स है ये केंद्र की एजेंसियां हैं जो जानबूझकर जो है चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाती है दबाव बनाने के लिए। जैसे पूर्व में भी धर्मेंद्र राठौड़ के पर कार्रवाई हुई थी और राजीव अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता उनके कार्रवाई हुई थी, तो अब जो है इनको कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास का साफ तौर पे कहना है कि वो क्या किसी को बिजनेस करना गुना है, अगर क्या ऐसे कोई घटना हुई है पिछले दिनों में जिसकी वजह से हमें नोटिस दिया गया, क्या कोई घोटाला हुआ है, जब कोई बात ही नहीं है। पूर्व में करीब बताया जा रहा है कि 10 से 15 साल पुराने कोई मामले बता करके उनके बारे में जांच की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में कुछ हुआ ही नहीं, नहीं कोई घटना, नहीं कोई घोटाला। उसके बाद में जो पूछताछ की जा रही है वो एक तरह से नेताओं को डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जो एक्शन जो लेते हैं, मीडिया में बातचीत करते हैं, तो उनको डराने के लिए, दबाने के लिए आज से कार्रवाई करती है, लेकिन उनका कहना है कि हम डरेंगे नहीं, हम पूछताछ के लिए हाजिर हैं, नोटिस दिया है, हालांकि कारण लिखा नहीं गया उस नोटिस में, लेकिन हम फिर भी हम आया ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जो भी वो जवाब मांगेंगे हम उनका जवाब पूरा देंगे, डरेंगे नहीं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए, आप अपनी नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि सुदीक्षा की मौत को यूपी सरकार सड़क हादसे साबित करने में लगे जिलाधिकारी और SSP से जांच रिपोर्ट मांग रही है, और ये वही अधिकारी हैं जो पीड़ित परिवार की बात से अलग परसेप्शन और नैरेटिव बनाने में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर ऐसे जांच हुई तो पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी की योगी सरकार ने 3 साल में सिर्फ घटनाओं को दबाने और ठंडे बस्ते में डालने के लिए SIT और जांच आयोग का गठन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे पहले भी जितनी SIT और जांच आयोग बनी उनकी कोई भी फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ये बड़ा गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। निश्चित रूप से आम आदमी जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से इस कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मजबूती के साथ इन विषयों और मुद्दों को उठाने का काम करेगी और सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। सुदीक्षा की मौत उत्तर प्रदेश की सरकार पर और कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। मनचलों के चलते सुदीक्षा की जान गई, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सिर्फ उसे एक सामान्य एक्सीडेंट बताकर दुर्घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि इस SIT से कुछ नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर रही है डिस्को, अपराधी हो गए किसको, आप बताओ उत्तर प्रदेश की जनता कहे किसको? ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है।
उत्तर प्रदेश की जनता का बेहाल है, जनता किससे कहे। अधिकारी जो उनकी टीम 11 है, ईटिंग मीटिंग सीटिंग में बिजी है, तो काम कहाँ हो रहा है। और सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, वो जाति धर्म की राजनीति में बिजी है, तो जनता की समस्या की तो बात ही नहीं हो रही। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में इतनी तेजी से अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने की सिर्फ वजह यही है कि उत्तर प्रदेश का फोकस नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस नहीं है अपराध रोकने का। उत्तर प्रदेश का सरकार का जो फोकस है वो है कैसे सत्ता को काबिज करना है, कैसे सत्ता का जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटका के जाति धर्म के मुद्दे पर केंद्रित रखना है। वहीं अमेरिका की बॉबसन कॉलेज से पढ़ाई कर रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में एसआईटी एक्शन में आ गई है। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत के लिए जिम्मेदार बुलेट सवार युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद पुलिस ने इलाके में सभी बुलेट मालिकों को थाने में तलब किया है और साथ ही उनके बुलेट को भी थाने में जमा करा लिया गया है। इस दौरान पुलिस ये जांच करेगी कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रही बुलेट किसकी है और कौन सी है, साथ ही हर बुलेट के नंबरों की भी जांच की जाएगी। वहीं सुदीक्षा के भाई से बुलेट की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से आरोपित जल्द पकड़ में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या के बाद एएसपी अनित कुमार का तबादला कर दिया है। एक आईपीएस अधिकारी समेत 5 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें 4 पीपीएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ट्रांसफर सूची में आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा और पीपीएस अधिकारी अनित कुमार, नरेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश्वर पांडे और मनीष मिश्रा का नाम भी शामिल है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए पानी में बहा नीतीश का विकास। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800300026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। पुल के उद्घाटन से पहले ही पुल का अप्रोच रोड बाढ़ में बह गया। आनन फानन में उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को इसका उद्घाटन करना था। बंगरा घाट महासेतु के निर्माण में 509 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका अप्रोच रोड पानी में बह गया। हालांकि पथ निर्माण विभाग इसकी मरम्मत में जुटा है और बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। नीतीश सरकार को पिछले 15 दिनों में दूसरी बार किरकिरी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले गोपालगंज के 70 घाट पुल का अप्रोच रोड भी पानी में बह गया था।
तब भी नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर निशाना साधा था। तब और आज में अंतर सिर्फ इतना है कि 70 घाट पुल का अप्रोच रोड उद्घाटन के बाद बहा था, आज बंगर घाट महासेतु का अप्रोच रोड उद्घाटन के पहले ही बह गया। आपके टीवी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें हैं। एक तस्वीर बंगर घाट पुल की है जहां उद्घाटन से पहले पुल का अप्रोच रोड बह गया है। दूसरी तस्वीर 17 घाट पुल की है जहां उद्घाटन के बाद पुल बह गया था। और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं नीतीश कुमार। साथ ही उन्होंने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त करने की मांग की। उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के दिन और उद्घाटन के 29 दिन बाद जो है पुल जो है वो टूट जाता है, तो इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं, आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में स्कूली बच्चों मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। इसके खिलाफ बिहार शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 10 जिलों में जिला शिक्षा और कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें पाया गया कि इन जिलों के सभी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत राशन वितरित नहीं किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने 7 जुलाई को इस बात का संज्ञान लिया था। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, सीवान, भोजपुर, दरभंगा और कटिहार समेत 10 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। तीनों दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो इन पर विभागीय कार्रवाई निश्चित है। और वहीं केंद्र की नई शिक्षा नीति इन दिनों विरोधी पार्टियों और सामाजिक संगठनों के निशाने पर है। प्रदर्शन करने वाले इसे छात्र विरोधी मानते हैं और यही वजह है कि नई शिक्षा नीति को लेकर अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के पटना में भी बुधवार को नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यहां ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने हाथों में बैनर तख्तियां लेकर नई शिक्षा नीति के खिलाफ अपना विरोध जताया और सरकार से इस नीति को वापस लेने की मांग की। ये शिक्षा नीति छात्र विरोधी नीति है। इस पूरे छात्र इस जो शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पे हमला है। अब विश्वविद्यालय को सरकार मतलब अनुदान जो देती थी अनुदान न देकर लोन देगी, मतलब अब जो देश के अंदर मतलब कंपनी राज बनाने के खिलाफ में सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रहा है, व्यवसायीकरण कर रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हम लोग आयशा सड़क पर उतर कर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन के तहत हम मोदी सरकार को चेतावनी वाले लफ्जों में कह रहे हैं कि मोदी जी आप जो शिक्षा को बेच रहे हैं ये आयशा बर्दाश्त नहीं करेगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 6 वरिष्ठ नौकरशाहों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका के माध्यम से कोविड-19 के सरकारी कुप्रबंधन की स्वतंत्रता आयोग से जांच की मांग की गई है। इस मामले पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। बाद मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में कमलनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर बधाई संदेश के साथ ये पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में एक तरफ श्री कृष्ण की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव का नाम है और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वहीं कमलनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने सेना की ऐसी हालत नहीं की थी जैसी हो गई है। अर्जुन ने ऐसी हालत तो नहीं की थी सेना की जैसी हो गई है। पता नहीं छापने वाले ने छाप दिए शायद मिलन के साथ बिछोड़े, अन्यथा कभी इस रूप में तो नहीं छापते।
आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 15 और 16 अगस्त को रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोहन भागवत आरएसएस और सभी अनुशासनिक संगठनों के कामकाज की समीक्षा करेंगे, साथ ही नया टास्क भी देंगे। छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी स्वयंसेवक मोहन भागवत के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि मोहन भागवत का ये दौरा बीजेपी की बुरी अवस्था को लेकर है। मोहन भागवत जी का ये प्रवास सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो दुरावस्था है उसके कारण हो रहा है। सभी लोग भली भांति समझते हैं कि भाजपा आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन ही तो है, आरएसएस के लोग संगठन मंत्री रहते हैं, और छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं ने, रमन सिंह जैसे नेताओं ने जो भाजपा की दुर्दशा कर दी है उसे देखते हुए ये दौरा हो रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के सागर के बीना में अंडर ब्रिज में पानी भर जाने की वजह से घुटनों तक तेज बहते पानी के बीच से लोगों को अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। बीना में रेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीना में झांसी गेट ओवरब्रिज बन रहा है, जिसके चलते उसे बंद किया गया है, और इस वजह से शहर में प्रवेश का एकमात्र रास्ता रेलवे अंडर ब्रिज ही बचता है, लेकिन यहाँ पर घुटनों और कई जगह कमर तक पानी भर गया है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल सादगी से मनाई जा रही है। मंदिर में भक्त जरूर कम है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उतना ही उत्साह है जितना हर साल होता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कन्हैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में पहुँच रहे हैं। सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। श्री कृष्ण की धरती मथुरा और वृंदावन में तो अलग ही उत्साह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से हर एक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, ताकि घर बैठे ही लोग अपने आराध्य प्रभु के दर्शन कर पाएं। इस बीच देश भर के मंदिरों से फोटो और वीडियो आने लगे हैं, जहां भगवान कृष्ण को आकर्षक रूप से सजाया गया है और आरती की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में सहयोग करना धर्म प्रेमी जन का पहला कर्तव्य है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्म महोत्सव बहुत ही भव्यता दिव्यता धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सब लोग सुखमय रहें, आनंद में रहें और मंगलमय रहें। तो इस बार जो है कोरोना के कहर से जन्माष्टमी बड़े लो प्रोफाइल में मनाए हैं। इसके पहले कितनी भव्यता से हम जन्माष्टमी मनाते थे, लेकिन इस बार बहुत कम है। और जो पब्लिक है उसको हम निमंत्रण पत्र दिया हुआ है, तो इनवाइटी जो है वही आ पाएंगे दर्शन करने के लिए, और उसी प्रकार से सजावट की गई है। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहां सत्य व धर्म है वहीं ईश्वर है। असत्य और अधर्म का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी और लिखा कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।